मैं प्रदीप कुमारी, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में कैंप जर्नी में। तो इसके पहले प्रीवियस के वीडियो में आपको जैसे बताया था, मैंने इसका स्टेटस टेक और टॉप रैक दोनों लिया है, तो अभी इंस्टॉलेशन में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये मेरी बाइक है पल्सर N160 का, मैंने टॉप रैक का स्टेटस से लगा है। जो प्राइस मुझे पड़ा है 5000 में पड़ा है, HT एग्जॉस्ट से मैंने ये मंगाया। तो चलो मैं आप भी आपको इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। तो इंस्टॉलेशन के सबसे पहले आपको पीछे का बैक सीट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे बैक सीट पूरी खोल के रख दी है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड से है दो, एक लेफ्ट और राइट का। ठीक है, और उसके साथ ही ये टॉप रैक। ठीक है, तो ये टॉप रैक का भी मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये अपने को पीछे के चारों नट्स खोलने पड़ेंगे। तो मैं आपको पहले क्वालिटी दिखा देता हूँ इसकी। तो ये क्वालिटी है, देखो इसका NM थिकनेस देखो, बहुत अच्छा है। ओके, तो ये HT एग्जॉस्ट से मंगाया है। इसका ऑर्डर करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पे करना पड़ेगा। ऑफिशियल साइट पे अभी ऑर्डर नहीं ले रहे, आपको मैन्युअली ऑर्डर करना पड़ेगा। वो ऑर्डर कैसे करना है आपको प्रीवियस का वीडियो देख लीजिए। तो अभी ये वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन बताने जा रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेजरमेंट ठीक से बैठ रहा क्या नहीं। ओके, तो ये जो मंगाते हैं वो ऑफिशियली मंगाते हैं, इसके लिए ही बनता है। तो जैसे कि देख रहा है यहाँ पे तो प्रॉपरली बैठ रहा है जो स्क्रू और नट्स। ठीक है, तो ये मैं अभी चारों स्क्रू खोल लेता हूँ। तो ये खोलने के लिए हमको चाहिए 6 नंबर का पाना। ठीक है, तो ऐसे ही मैं चारों अभी खोल लेता हूँ। तो अभी मैं ये यहाँ पे देख लेता हूँ प्रॉपरली बैठ रहा है। ओके, तो मैं ये अभी स्क्रू टाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये अभी प्रॉपरली लग चुका है, नहीं हिल रहा। अभी देख लेता हूँ, सीट तो लग रही है प्रॉपर स्टडी है, नहीं हिल रहा। ठीक है, तो अभी जो ये है साइन कि अभी हम लोग लगाने जा रहे हैं, तो ये यहाँ से आके यहाँ पे लगता है। हाँ, क्या थोड़ा दाखा तो वहाँ का दिखा देता हूँ आपको, मतलब प्रॉपरली आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये जो पीछे का फुटरेस्ट है वहाँ पे लग के ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ओके, तो ऐसा है ये। ओके, ये ऐसा है, मतलब ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। चलो, तो उन्होंने मुझे ये दिए हैं, बड़े स्क्रू दिए हैं। तो स्क्रू इसमें पहले से ही दिए हैं, तो ये अभी निकाल देता हूँ मैं। तो यहाँ से ये निकालने के बाद ही आपको लगा सकते हो। ठीक है, अभी निकाल देता हूँ। बस ओके, प्रॉपरली बैठ चुका है। मुझे यहाँ से लगता है थोड़ा रस्सी से बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये अभी इसका स्क्रू दिया है उन्होंने।
अभी तो मैं इसका पाना है मेरे पास, पर मैं अभी आपको दिखाने के लिए बाद में टाइप कर दूंगा, ठीक है। हो गया, ओके। दाखो दिखना था लाभ दाखो। तो दोस्तों ये मैंने लगा दिया एक साइड का। ये लगाने के लिए मैंने जो लोकल से पूछा 300 रुपये ले रहे थे, तो ये देखो मैंने खुद कर दिया। 300 रुपये का मैंने किट मंगा दिया। ये 300 रुपये का किट है, इसमें सारे टूल्स है। मेरे पास टूल्स नहीं थे इसलिए मैं लोकल के पास गया था, और देखो मैं खुद ही कर रहा हूँ। क्यों तो आती है 300 रुपीज़ टू, जबकि अभी ये मेरे पास परमानेंट हो गया। कभी मुझे निकालना है तो ये खुद निकाल सकता हूँ मैं। तो अभी मैं दूसरे साइड का भी लगा देता हूँ और डायरेक्ट आपको फिनिश प्रोडक्ट दिखाता हूँ। अभी ये फिनिश प्रोडक्ट देखो, ये मैंने खुद से लगाया है। ये टॉप रैक और ये स्टैटस थे, देखो कितना नीट एंड क्लीन टक के लगा है। जो बाकी जो मैंने इसके अलग ब्रांड के देखे पीएस सिस्टम, वो भाप बहुत बाहर निकल जाए, बहुत बल्कि दिखता है। मुझे ये ऐसे ही चाहिए था इसलिए मैंने HP एग्जॉस्ट से मंगाया। यूट्यूब पे इनका ऑफिशियल वीडियो है, वो वीडियो का रेफरेंस देकर मैंने ये देखा कि ये प्रॉपरली अपने को यही चाहिए। भले थोड़ा पैसा ज़्यादा चलेगा पर नीट एंड क्लीन और क्वालिटी एक नंबर है। और जो टॉप रैक और स्टाइलिश इसे रखेंगे तो मस्त भारी दिखेगी अपने भाई, और टिकना भी चाहिए। इसकी वजह से ये मैंने चूज़ किया। तो अभी मैं थोड़ा 360 व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये कैसे दिखता है। स्टैटस से भी अभी मैं थोड़ा रिसर्च करके R&D करके देखूंगा कौन सा स्टैटस से बेस्ट है मेरे अफोर्डेबल रेंज में। तो टॉप बॉक्स मैंने आपके लिए टॉप बॉक्स मैं एक मंगाया है, जल्दी मेरे पास आ जाएगा, तो उसका भी वीडियो मैं बता दूंगा।
कौन सा है, कौन से कंपनी का है, कितने लीटर का है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैठेगा, तो बैठने के बाद गाड़ी पे मस्त दिखेगी और उस पर आपका सामान भी मस्त बैठ जाएगा। तो उससे कट निकल जाती कि थोड़ा लगेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो टॉप बॉक्स में अपना सारा लगेज आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ऐसे ही सपोर्ट करना। विकेंद जैनी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोक देना। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय गाइस।